नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त राहुल निमेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक नई वीडियो में। माय फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी अपने पैन कार्ड आधार कार्ड पर बिना किसी इनकम प्रूफ के बिना किसी सिविल स्कोर के आसानी से लोन लेना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप कहीं से स्किप ना करें, वीडियो को आप कंप्लीट देखें। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, आपको जो मैं इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको अच्छे तरीके समझ में नहीं आएगी। और गाइज, मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मैं कोई आपका वित्तीय सलाहकार नहीं हूं, मैं आपको डिटेल में जानकारी दे दूंगा कि एप्लीकेशन की अच्छी बातें हैं, क्या एप्लीकेशन की बुरी बातें हैं। अभी डिसाइड आपको स्वयं करना होगा क्या ये आपके लिए बेहतर है या नहीं है। मेरा काम है आपको अवेयर करना, जागरूक करना और आपके सामने पूरी सत्यता ला करके रख देना। मैं किसी भी व्यक्ति को लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता हूं। तो चलिए, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, लेकर के चलते हैं आपको प्ले स्टोर पर। मैंने एप्लीकेशन का अबाउट सेक्शन यहाँ पर ओपन कर लिया है। देखिए, अगर आप बात करेंगे समय अवधि की, तो इसने कहा है 91 दिन से लेकर के 365 दिन के लिए आपको ये लोन प्रदान कराएगी। अगर आप लोन अमाउंट की बात करेंगे तो लोन इसने यहाँ पर बताया है 1500 रुपये से लेकर के 20000 रुपये तक के लिए आपको लोन देगी। ठीक है, अगर आप बात करेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट की, तो आपको यहाँ पर 35% तक इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। दोस्त, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए ये जो भी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है एकदम बिल्कुल गलत जानकारी लिखी हुई है। यहाँ पर आपको ये 20000 रुपये का कोई लोन नहीं देगी, ये एक फेक एंड फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है, बट आपको ये 2000-3000 रुपये का लोन दे देगी। ठीक है, वो भी कितने समय के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एक बात और बता दूँ मैं क्लियर कट तरीके से आपको, अगर आप इनसे लोन लेंगे तो देखिए आपका ये डेटा वगैरह भी यहाँ से ले लेंगे। आप लोग देख लीजिएगा, आपकी कैमरे की परमिशन, आपकी कॉन्टैक्ट परमिशन, आपकी लोकेशन की परमिशन, आपकी माइक्रोफोन की परमिशन, आपके SMS की परमिशन, इनके पास में हर एक परमिशन आपकी होगी। तो आप सोच समझ करके अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, और कुछ नहीं, और बाकी आपके डिवाइस का डेटा। तो गाइज, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आप एप्लीकेशन से लोन ना ही लें तो बेहतर होगा। इससे फिर भी आप लेना चाहते हैं तो देखिए, मैं आपको बता दूँ, आप प्रॉपर तरीके से अपने डेटा को सिक्योर रखें। अगर आप बात करेंगे इसकी रेटिंग की, तो 2.0 की रेटिंग यहाँ पर इसको मिली हुई है। अगर आप बात करेंगे रिव्यू की, पहले व्यक्ति ने इसको बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा, दूसरे व्यक्ति ने इसको बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा, तीसरे व्यक्ति ने इसको बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा। अगर गाइस आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आपको COL का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको दो सेक्शन नजर आ रहे होंगे, ऊपर पॉजिटिव और क्रिटिकल, आपको क्रिटिकल पे जाना है। देखिए, जो जो लोगों को समस्या आई है लोगों ने यहाँ पर मेंशन की है। ठीक है, देखिए हो गया ना यहाँ पर क्लियर कि इसने कहा था ये आपको लोन कितना दिन के लिए देगी, आपको लोन देगी 91 दिन के, बिल्कुल गलत यहाँ पर लोगों ने बताया हुआ है, 7 दिन के लिए लोन प्रदान कराती है। ठीक है, तो गाइस मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपसे ये लोन देने से पहले किसी प्रकार का कोई पैसा मांगे, एक भी रुपया इसको नहीं देना है। ठीक है, और बाकी इसके पॉजिटिव रिव्यू पर ट्रस्ट नहीं करना है आपको, यहाँ पर लोग पेड रिव्यू भी करा देते हैं। ठीक है, अब गाइस मैं आपको इसका नाम बता देता हूँ। देखिए, एप्लीकेशन का नाम है ASAN लोन डिजिटल लोन्स। ठीक है, ये इस एप्लीकेशन का नाम है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर। डाउनलोडर की बात करेंगे तो ठीक ठाक डाउनलोडर हैं। ठीक है, और गाइज मैं आपको ये कहना चाहूँगा दोस्तों, आप चाहे कहीं से उधार पैसा ले लें, किसी अपने यार दोस्त से मांग लें, पर इन पर ही अप्लाई ना करें, आपकी इज्जत को पूरे तरीके से लोग धूमिल कर देंगे। मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती मानिए एक तरीके से, ठीक है, आप इनसे लोन बिल्कुल ना लें। बस मैं आपको ये बताना चाहूँगा, 100% लोन दे देगी 2000-3000-4000 का। ठीक है, और फेक इसलिए भी है क्योंकि इसने ना ये बताया कि कौन सी NBFC के द्वारा आती है, कौन से बैंक के द्वारा आती है। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, कोई और क्वेरी हो कमेंट में पोस्ट कर दें। बंदा हाजिर है आपके लिए, थैंक यू।